गाइस यहां पे हम लड्डू बना रहे थे और यहां पे मेरे और तालिब भाई के बीच में कंपटीशन हो गया है। तो तालिब भैया बना रहे हैं बड़े बड़े लड्डू और मैं बना रही हूँ छोटे छोटे लड्डू। गर्मा गर्म बिरयानी। को नमस्ते, आज सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है बाजी के घर में कुरान खानी। अभी मैं अक्की जा रहे हैं और यहाँ पे सामान इकट्ठा करें वहाँ ले जाने के लिए। वहाँ बच्चे आ चुके हैं, पढ़ना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब बस फटाफट निकलना है क्योंकि सामान हमें वहाँ जाके पहुँचाना है, फिर तुरंत तुरंत सारा काम होगा। मम्मी और भानु ऊपर है, वो लोग बाद में आएंगे। अक्की उसमें बर्फ है, वो पूरा गिर जाएगा नीचे। उसको ऐसे उठा, हाँ हाँ ऐसे ही उठा बस। चलिए चलते हैं। क्या? हाँ अब लग रही है माशाल्लाह। रैंडम तारीफ मत करो मेरी। तो साफ साफ सूरज आ गए हमारे घर में। तो अंदर ना सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी हम यहाँ आए। ऐसे पाँच मिनट तो लगेगा। नहीं भाजन खुद को खाना खिलाना तो ऐसे गरीब बनते। आप ना ज्यादा उनका साथ मत लिया करो। तो ये ना बाजी का किचन है बहुत अच्छा वाला और यहाँ पे आप देख रहे हो सामान भरा हुआ एकदम। बाकी गर्मी सोने के पहले अंदर वाला पंखा बचा सीढ़ी से, तो भाई जानने का शिट तालिब ने देख लिया। ठीक है यार, चलते हो पंखे पे सीढ़ी घुसाई भाई जानने स्टार यहाँ लगा दिया भाजन जो आसान सा तोड़ के लाए थे बाजी के लिए। थैंक यू भैया। पता है बाजी कल रात से कुछ नहीं खाए। ये सच में नहीं खाए बाजी रात से? मैं तो मजाक कर रही थी, उन्होंने सच में नहीं खाया रात से। तुझे मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अलचू आज क्या है? बताना क्या है आज? कोरियन खानी। गाइस कभी आपने ये वाली बिस्किट देखी है? ब्लैक मैजिक। बताओ आप, बिस्किटें भी ब्लैक मैजिक के नाम से आने लग गई है। ए बाजी ये कैसे कैसे बिस्किटें खा रहे हो आप लोग? जाओ जाओ लड़ाई मत करो, जाओ दुआ के वक्त हो गया है। सो गाइस अभी मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा सेटअप हो रखा है कुरान खाने के लिए। और अलचू जैसे कोरियन खाने कहता है तो कोरियन खाने। हाँ ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, ये पूरा सेट कर रखा है। हाँ? बच्चे आके बैठ सकते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे वो आराम से खा सकते हैं। हाँ? जिंदा है, जिंदा रहने दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे है एक प्यारा सा मिरर जिसके ऊपर आप खड़े होके वीडियो बना सकते हो। और हाँ शीशा। और यहाँ पे है तितली। अलचू तेरी तितली उड़ नहीं जाएगी? चलिए जी हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, जब वो लोग खाने वाने आएंगे ना तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना बिरयानी आ चुकी है, मैं बिरयानी की शक्ल दिखा दूँ। ओए होए बिरयानी आ चुकी है हमारी और सबको ऊपर पहुँचा चुकी है, सब खा रहे हैं। बेचारी परेशान औरत, अरे रोशनी को बोल रही हूँ। बेचारे मजदूर इंसान। अलचू ओए ओए इधर आ, ओए तू क्या खा रहा है? क्यों खा रहा है? मजे आ रहे हैं? तो गाइज आप मेरे पसीने तो देख ही रहे होंगे, कितनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ मैं बिरयानी वाली बनी हुई हूँ। ये पानी वाली बनी हुई है और बाजी और तालिब है बने होते हैं लड्डू वाले। बाकी सब पैक वैक करके रख दी है और बिरयानी बस जा रही ऊपर और वो कैमरा मैन है। आपको कैसा लग रहा है ये मेरे साथ, आपको ये काम मिला है? सही लग रहा है यार, सही लग रहा है। खाते खाते कमाओ करो। तो गाइस यहाँ पे ना लड्डू जो आए थे वो बहुत ताजे थे, सब टूट गए। ये देखना पहले लड्डू गोल हो गया है। और यहाँ पे देखो सारे लड्डू टूटे हुए हैं, देखो सारे। गाइस यहाँ पे हम लड्डू बना रहे थे और यहाँ पे मेरे और तालिब भाई के बीच में कंपटीशन हो गया है। तो तालिब भैया बना रहे हैं बड़े बड़े लड्डू और मैं बना रही हूँ छोटे छोटे। आप कमेंट बताना कि हम दोनों में से किसके लड्डू ज्यादा अच्छे हैं। ये दोनों मेरे, ये दोनों तालिब भाई के, ये भी मेरा बच्चे का। मुझे कसम होगी आज देख किसी का साथ। क्या
नहीं नहीं लड्डू के शेप कौन अच्छे दे रहा है तू ये भी तो देख ना कि सब छोटे बड़े इंसान बना रहा है अपने साइज का बना रहा है उल्टे हाथ में जमा हुआ है सीधा हाथ तो एकदम साफ है देखो ये गली में बांध देते रोशनी वाले ए मेरे सुंदर हाथ है देखो मेरे सुंदर हाथ है साफ सुथरे मेरे नाखून है पर गंदे अलचू को खिलाओ अलचू को जो भाईजान के बॉस वगैरह आ रखे तो भाईजान के ऑफिस से आ रखे थे तो वो लोग भी अब चले गए हैं और बाकी जो ऊपर जो है उनके ऊपर बात कर रहे हैं मम्मी पापा से पापा चले गए हाँ मक्खियों के झुंड देखो कितनी सारी है अब देखते हैं कि कब तक होगा वैसे तो चार बज चुके हैं अब ये और मेहमान आना बाकी है अब उनको देखते हैं कि वो कब तक आएंगे जब वो आ जाएंगे फिर वो बाकी मतलब रात तो हो ही जाएगी पूरी फंक्शन को निपटाने में क्योंकि टाइम लगता है वो फंक्शन घर में